मुझे पता है कि तुम्हें सच्चाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस रिश्ते की बुनियाद भी सच्चाई की बेस पर रखें। पहला सच ये कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मेरे दादी ने मुझे फोर्स किया था। दूसरी बात ये कि तुम्हारी बहादुरी देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। और तीसरा सच ये है, तीसरी वजह। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जब माही के घर वाले खबर हो जाते हैं कि फरहाद अभी भी जिंदा है और माही का भाई शाजी फरहाद को माही के साथ देखता है तो गजब हो जाता है। माही बहुत डर जाती है और फरहाद से पनाह मांगती है। फरहाद, अगर मैं घर चली गई तो भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में फरहाद और माही का दूसरी बार मिलना माही के लिए गजब है, क्योंकि माही की नज़र में फरहाद बहुत हो चुका था, लेकिन अब फरहाद का फिर से आना माही के लिए मुश्किलात पैदा कर लेगा। सिकंदर की माँ माही को कहेगी, माही मैं आपके निकाह अपने बेटे सिकंदर से करना चाहता हूँ, अगर आपका रजा हो तो मैं आज फकीर साई को बुलाता हो और निकाह कर ले। ये बात सुनकर माही अगबगोला हो जाती है, दिल दिल में सोचती है, या अल्लाह ये मैं कौन सी इम्तिहान में आई हूँ, मुझे तो फरहाद से मोहब्बत हो चुका है। माही सिकंदर के निकाह से इनकार करती है। माही का भाई जब इस बात से खबर हो जाता है तो वो बहुत ही गुस्से से आएगा और माही बहुत डर जाएगी। फरहाद के साथ चुप चुप मिलना माही का सुकून हो गया है। माही फरहाद से बार बार कहती है, प्लीज़ घर चले जाओ, लेकिन फरहाद माही के इश्क में दीवाना हो गया, घर वाले सभी भूल गए। दूसरी तरफ रोमाना सिकंदर की ज़िंदगी में दोबारा आएगी और वह सिकंदर पर तवज्जो नहीं देगी। सिकंदर अम्मा सेन से कहेगा, अम्मा सेन मैं रोमाना से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अम्मा सेन एक बाजारी औरत को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन सिकंदर की परेशानी बहुत बढ़ जाएगी और अम्मा सेन इस तरह रोमाना और सिकंदर को एक होने का तलब करेगी। तो व्यूअर्स, क्या आपको लगता है कि ड्रामे के आखिर में फरहाद और माही एक हो जाएंगे? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब के चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।